ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें एक बार जरूर पढ़ें। पहला, इलायची को पीसकर सर पर लगाने से सर दर्द दूर हो जाता है। इसके चूर्ण को सूंघने से भी सर दर्द दूर हो जाता है। दूसरा, हाथों से कपड़े को धोएं, इससे डिप्रेशन दूर होता है। तीसरा, सफ़ेद नमक सेवन करने से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। चौथा, आँखों से पानी गिरना, आँखों की दुर्बलता, आँखों का थकना आदि रोगों में बादाम को भिगोकर सुबह मिलाकर पी ले तथा ऊपर से दूध पीने से लाभ होता है। पांचवा, इलायची के दानों को पीसकर खाने से या शहद में मिलाकर चाटने से घबराहट व जी मचलना दूर हो जाता है। छठा, अगर आप खाने में काली मिर्च तो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी नहीं होती। सातवां, कच्चे आलू का रस निकाल ले और अपनी आँख के नीचे काले घेरों पर कुछ दिन लगाए, रोजाना 10 मिनट लगाए, इससे वह काले घेरे हट जाएंगे। आठवां, सर को धोने के बाद बालों को तौलिए पर ज़्यादा देर न लपेटे, इससे बालों की चमक कम हो जाती है। नौवां, खाना खाने के बाद एक बड़ी इलायची खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। दसवां, अगर आपका लीवर में कमजोरी है तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खाने से लीवर मजबूत हो जाता है। ग्यारहवां, दूध में जीरा डालकर पियो, आपका पेट बाहर नहीं आएगा। बारहवां, अंगूर नमक के साथ खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। तेरहवां, अगर गर्दन में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। चौदहवां, अगर आपके पेट में गैस बनती है तो आधा चम्मच दालचीनी का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ फाके से गैस बनना बंद हो जाता है। पंद्रहवां, काले अंगूर पेट की सफाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। सोलहवां, जब भी भूख लगे तो धनिया खा लिया करो, कभी भी चर्बी नहीं बन पाएगी। सत्रहवां, नींबू की पत्तियों को कुचलकर सूंघने से सर का दर्द ठीक हो जाता है। अठारहवां, जले हुए स्थान पर केले का गूंदा लगाने से जलन मिटेगी व बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।